नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। जिला अधिकारी बलिया ने स्मृति सिंह ग्राम प्रधान रत्सर कला द्वारा सौंपा गया कोविड 19 सैंपल कलेक्शन बूथ का किया उद्घाटन। ग्राम प्रधान रत्सर कला स्मृति सिंह ने अपने एनजीओ आक्सा वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से डीएम बलिया को सौंपा पूर्वांचल का पहला कोविड 19 सैंपल कलेक्शन बूथ बिना जिसका जिला अधिकारी ने उद्घाटन किया। आपको बता दें, यह बिना पीपी किट पहने सैंपल लेने वाला है। यह बूथ स्वास्थ्य कर्मियों व चिकित्सकों को संभावित संक्रमण से बचाने वाला है। बूथ पीपीई किट पर होने वाले खर्च में भी लाएगा कमी। यह बूथ अपनी बड़ी बहन की प्रेरणा से राजस्थान की तर्ज पर महिला ग्राम प्रधान ने गांव में ही बनवाया यह बूथ। वही इस पहल पर रसल कला ग्राम प्रधान स्मृति सिंह क्या बताए, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। प्रणाम, मैं स्मृति सिंह, रसल कला प्रधान। जी प्रधान जी, अभी पूरे जिले में सुनने में आया कोई काम ऐसा नहीं कि जैसे आपके द्वारा कोरोना महामारी पर संपर्क के लिए आपने दिन से आपको नहीं सौंपा, इसका विभिन्न जानकारी हमको चाहिए। क्या है, क्या काम करता है, क्या है इसे? जी जी जी, किस उद्देश्य आपने किया? एक्चुअली हम लोगों ने एक दिन मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है, उन्होंने एक यूट्यूब देखा था। वो जयपुर में रहती हैं, तो उन्होंने वहाँ के एक मंत्री खाचरियावास करके हैं, उनका यूट्यूब चैनल देखा था। उस यूट्यूब चैनल में एक कोविड 19 का सैम्पलिंग बूथ बना हुआ था, जिसका वो उद्घाटन कर रहे थे। उसको देख करके दीदी ने बोला कि देखो कितना बेहतर काम है, इसमें पीपी किट की ज़रूरत नहीं है। तो हमने उस यूट्यूब को देखा, तो हमने कहा कि जब ये इतना बेहतर कर सकता है वहाँ पर इंसान, तो ये बूथ तो हम लोग भी बनवा सकते हैं, हम लोग भी ट्राई करें एक बार। तो वही चीज़ हम लोगों ने ट्राई की और ये पूर्वांचल का पहला जो है फ़ोन टेस्टिंग बूथ कलेक्शन जो है कोरोना के लिए बनाया गया। जी, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं? इससे तो पहला फ़ायदा है कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी है जो कि किसी कोरोना पेशेंट का चेकअप कर रहा है, उसको कभी भी कोरोना होने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बूथ के अंदर सेफ़ एंड सिक्योर है, उसे किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होएगा। दूसरा, इसमें पीपीई किट जो होती है, जिसको पहनने से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, गर्मी काफ़ी है, और उस वो जो पीपीई किट रहती है ऊपर से लेकर नीचे तक पैक रहती है, उससे भी उससे बचा जा सकता है। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि सरकार का बेवजह पीपीई किट में पैसा जो है इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पीपीई किट एक टाइम यूज़ के लिए होता है। अगर आपने उसको एक वक्त पहन लिया तो आप दोबारा उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं वो वॉशेबल होता है, उसे आप उठा के जब तक डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे। दूसरा, पीपीई किट जो है आपका इतना महंगा है और उसकी सप्लाई इतनी कम है, इसके मद्देनज़र ये जो फ़ोन टेस्टिंग बूथ कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा और बेहतर कारगर उपाय होगा कोरोना को देखते हुए। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं उसमें लागत कितनी लगी होगी? लगभग उसमें लागत लग गई है हमारी 20,000 रुपये। जी, देखिए बना दो नहीं, अभी तो एक ही बनाया है हमने। हमारा एनजीओ है अक्षा एनजीओ फाउंडेशन, उसके तहत हम लोगों ने इसको बनाया है। इसमें मेरे भाई साहब श्री मुक्तानंद सिंह जी अध्यक्ष हैं, और दीप्ति सिंह मेरी बहन जी जो हैं सचिव हैं, और इसमें भानु प्रकाश सिंह जी जो हैं पूर्व के समाजसेवी, उनका भी काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने हैं जो उसको बनाने के लिए मुझे कुछ पैसे भी डोनेट किए, और उनका जो सहयोग था यहाँ से वहाँ तक प्रशासनिक अधिकारियों से पूरा वार्तालाप करके उन्हें कब देना है सारा कुछ, बैठक उन्होंने ही सारा कुछ संपन्न कराया। जी जी, इसका लागत जो लगा है वो आप लोग अपने लगा? जी 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 जी, नहीं, इसके लिए कोई सरकारी सहयोग नहीं, ये हमारा एनजीओ है अक्षा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उसके तहत हम लोगों ने इसको जो है डीएम साहब को डोनेट किया। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या आगे भी इसी तरह मानसिकता है करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं देखिए मेरा कुछ इंटरनेशनल एनजीओ से और एनजीओ फंड रेजर से भी बात हो रही है, मेरी अभी कल बात हुई है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो मेरे वर्क को देख करके, क्योंकि ऐसा वर्क जो है मेरी ग्राम पंचायत में मैंने जो कुछ भी कोरोना को देखते हुए किया है, एक्चुअली हम लोगों को कोई भी गवर्नमेंट फंड नहीं आता, एज अ प्रधान भी नहीं आता और ऐसे भी नहीं आता,
तो उसको देखते हुए मैंने काफ़ी कुछ हद तक जो है कोरोना के लिए यथासंभव जितनी मेरी शक्ति हो पाई मैंने किया है, और कुछ बेहतर ही काम किए हैं। सैनिटाइजिंग टनल लगवाया और ये टेस्टिंग बूथ बनवाया, आपको मास्क है और आपका पीपीई किट भी डोनेट किया, सैनिटाइजर, ग्लव्स और जो आपका क्या कहते हैं विटामिन सी की गोलियां, सैनिटरी पैड्स, इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लड़कियों को, लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं रहा है। तो मैंने काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों पे वर्क किया है। इसको देखते हुए इंटरनेशनल लोगों ने मुझे फ़ंड रेजिंग जो है, अमेरिका से एक जगह मेरी बात हो रही है, तो शायद देखिए मोस्ट प्रोबेबली उनका अगर मुझ पर फेथ बनता है तो वो ज़रूर मुझे कुछ फ़ंड देंगे, उससे मैं आगे भी उस चीज़ को कर पाऊँगी। जी जी, जहाँ भी जानना चाहते हैं, इतने आपने प्रधान होते हुए तो जिले में हजार प्रधान होंगे, उन्होंने एक तरह के कार्यक्रम नहीं किए हैं, आपने पहले प्रधान ने जो जनपद बलिया में इतिहास तरह काम किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रधान भाई लोग सभी काम करते हैं, मैं उनके कामों की हमेशा सराहना करती हूँ और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। ऐसा नहीं, मेरे लिए पहली बार प्रधान ही हो रहे, तो तीन तीन चार चार बार रह रहे हैं, और सभी पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, कोई अच्छा, कोई उससे अच्छा, कोई बेहतर बेहतर, लेकिन सभी बेहतर करना चाहते हैं। हमने ग्राम पंचायत में यही है कि थोड़ा सा मुझे जो है ये है कि मैं कुछ नया काम करूं, तो नया काम करने की चाह में ही मैं कुछ बेहतर कर ले जाती हूं। जी, आप लोगों के सहयोग से और सभी के आशीर्वाद से। जी, आपको ये आपको समाज में तमाम तरह के रुचि मिले, तमाम बड़े बड़े शिक्षकों को आपको सम्मान मिला, आपके अच्छे कार्यों को, आप कहाँ सोचा ही आपको? सम्मान के लिए तो कभी नहीं सोचा था, और ना ही हमने राजनीति के लिए सोचा था, सोचा तो कुछ भी नहीं था। और पापा मम्मी के मृत्यु उपरांत इलेक्शन हुआ, उसके बाद से जो है मैं इस फील्ड में आई, और उसके बाद राजनीति को मैंने पूरा तरीके से सामाजिक जो कार्य है उसमें परिणत कर दिया। और राजनीति केवल मेरे लिए हमेशा हमेशा यही रहा कि मेरे पास अगर मेरी जनता के अलावा भी किसी भी जगह का कोई भी इंसान आ जाए, और अगर वो मेरे यहाँ आता है, मेरे से कुछ भी मांगता है या उसकी कोई भी चाहना रहती है, तो उसको किसी हद तक मैं पूरा करने की, किसी भी तरीके से हेल्प दे करके पूरा करने की कोशिश करती हूँ, बस यही। जी, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पैकेट दिया है, इस बार क्या करना चाहते हैं? जी देखिए, अभी तक तो उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो किस तरीके से क्या ऐसे बटेगा या कैसे मिलेगा, ठीक है। बस इतना है कि जितने माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों का यही अनुरोध है कि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधानों को कम से कम कुछ छोटा कुटीर उद्योग लगाने के लिए जो है फंड दें, या हम लोगों के ही फंड में से हम लोगों को ऑर्डर दें कि हम वो फंड जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जैसे प्लेट कप बनाना, सैनिटरी पैड्स बनाना, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों का एक जो है हम छोटा सा फैक्ट्री लगा सकें, जिसमें हम ग्राम पंचायत के लोगों को ही काम दे सकें। इस तरीके की अगर छोटी कुटीर उद्योग की स्थापना हो जाएगी तो अपने आप ही जो है यहाँ के लोग स्वावलंबी हो जाएंगे, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जी जी, प्रधानमंत्री जी ने चौथा लॉकडाउन के लिए रहने की बात कही है। जी, उन्होंने कहा चौथा लॉकडाउन लागू हो जाएगा। जी जी, 18 मई से। जी, होता हो गया तो क्या आप इसी तरह कार्य आगे भी? जी, मैं हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों हाथ हमेशा देने के लिए बने, लेने के लिए कभी ना बने, और मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं करती रहूँ, बट यही है कि बहुत कुछ कर पाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ मैं करूँगी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन मैं करूँगी कुछ। मुझे लोगों का सहयोग भी मिल जाता है कहीं कहीं से, तो मैं वो भी है कि अगर बिना सहयोग के मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी एक चीज़ों में नियम कानून हर एक चीज़ों में बंधी हुई हूँ, तो अगर मुझे सहयोग मिलता है और मेरे पास चीज़ें हैं तो मैं ज़रूर उन सब चीज़ों को जनता तक या बलिया तक, जिसको भी ज़रूरत हो, बलिया के बाहर तक भी अगर मुझे सहयोग पहुँचाना हो तो ज़रूर मैं पहुँचाऊँगी। जी, सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।